मेधा अरोरा. आई एम एफबीबी कॉलेज फेमिना मिस इंडिया 2017 फाइनलिस्ट एंड आई एम कैंपस प्रिंसेस 2018 विनर. अलॉन्ग विद दैट आई एम मिस टूरिज्म ईवा इंडिया एंड आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन. आज मुझे 4 ईयर्स हो गए हैं NIESD के साथ. ट्रूली मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ. आई फील द बेस्ट व्हेन आई एम ऑन स्टेज. देखिए, सबको ग्राउंडेड रहना चाहिए, अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए. गाती मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बजाती हूँ मैं. अच्छा, तो NIESD हम आए हैं और खूबसूरती इतनी बल्क में मिल रही है ना, कसम से दिल और तबीयत जो है हरी भरी होगी. हमारे साथ एक और खास मेहमान है और कितने खास हैं आप सब लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उनको पता चल जाएगा. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से, ऐसा होता तो नहीं है, हैबिट तो नहीं होती, नेचर तो नहीं होता. इंट्रोड्यूस नाम के साथ मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, भूल जाता हूँ. वेलकम टू ओवर द जेके पेजेस, योर गुड नेम मैम. मेधा अरोरा. आप जम्मू से बिलोंग करते हैं? जी, आई एम फ्रॉम जम्मू ओनली एंड आई एम FBB कॉलेज फेमिना मिस इंडिया 2017 फाइनलिस्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड आई एम कैंपस प्रिंसेस 2018 विनर. अलॉन्ग विद दैट आई एम मिस टूरिज्म ईवा इंडिया. भगवान. एंड आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन. बल्क में ब्यूटी तो है ही है, और बल्क में इन्होंने मतलब इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर कैसे लिया. हम तो मतलब 15 साल की उम्र में 10वीं की, 17 साल की उम्र में 12वीं की, उसके बाद ग्रेजुएशन भी मतलब 27-30 साल तक कर ली. हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? नहीं, ऐसा नहीं है, फोकस है तो सब कुछ टाइमली किया है. फोकस है. अब इसके आगे बस अभी मेरा थोड़ा कोर्स चल रहा है जम्मू में ही डेंटिस्ट्री का, तो जब मेरी एजुकेशन खत्म होगी तो फिर आगे हम इसी फील्ड में देखेंगे कुछ. आपने नंबर वन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है NIESD, डू यू बिलीव दैट? क्योंकि इन जम्मू कश्मीर की बात करें तो. जी देखिए, मैं आज मुझे 4 ईयर्स हो गए हैं NIESD के साथ. 4 साल पहले मैंने इनका शो किया था जब मैं रिसेंटली मिस इंडिया का खिताब मतलब फाइनलिस्ट थी जम्मू कश्मीर से, तो तब 4 साल से. अब आज 4 साल के बाद भी आप मुझे इनके साथ देख रहे हैं, तो ट्रूली मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ. एक सवाल आपसे रहेगा, जब भी हम कभी ना शुरू करते हैं इंटरव्यू या कुछ भी, तो जब माइक में पहला हेलो बोलने से पहले जो बटरफ्लाइज पेट में होती है ना, क्या आपको अभी भी ये पिछले 4 साल में कभी स्टेज पे रैंप वॉक करना हो, वो चीज़ें रहती हैं थोड़ा बहुत? देखिए, बटरफ्लाइज कब आती हैं? जब आप किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, जब आप किसी चीज़ को बहुत फैसिनेट करते हो, जब आपको कोई चीज़ बहुत पसंद होती है, तो अनडाउटेडली आपको हर बार उसके लिए बटरफ्लाइज आती है. तो नो डाउट, आज भी मैं जब स्टेज पे थी तो मतलब आई फील द बेस्ट व्हेन आई एम ऑन स्टेज, तो आज भी मेरे लिए वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग थी. ये आपने बड़ा अच्छा कहा. अगर जब इतना कुछ माइंड में कई बार होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले लो, चाहे रूटीन में वही चीज़ें आप कर रहे हो, तो काम एंड कंपोज कैसे करते हो अपने आप को? काम एंड कंपोज, देखिए सबको ग्राउंडेड रहना चाहिए, अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपकी रूट्स क्या हैं. बेसिकली यू शुड नेवर फॉरगेट, दैट विल कीप यू ग्राउंडेड एंड दैट विल. हॉबीज़, सी दिस इज माई ओनली हॉबी, वॉकिंग ऑन द रैम्प. तो इसके अलावा डांसिंग, या आई लव टू डांस म्यूजिक. आई वाज अ सितार प्लेयर. आई एम, या आई एम जस्ट गेसिंग यू आर आल्सो अ गुड सिंगर. नो, डोंट आस्क मी टू सिंग, सॉरी. आई एम अ सितार प्लेयर, सो आई डोंट सिंग, या बट आई एम अ सितार प्लेयर. तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूजिक से जुड़े हुए? जी हाँ, गाती मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बजाती हूँ मैं. तो गाती नहीं हूँ. हाँ जी. तो हम किस दिन दोबारा हमें मौका मिलेगा तो आपसे जरूर रूबरू होंगे, और NIESD के अलावा भी. और एक जाते आते एक सवाल जो इससे कनेक्टेड नहीं है, दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए? मतलब रोज ब्रश करें 2 बार, सोने से पहले 1 बार जरूर ब्रश करें, 6 महीने में 1 बार अपने दांतों की अच्छे से सफाई करवा लें. और हाँ, कभी निगलेक्ट मत करो, थोड़ा सा भी दर्द होता है, थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी होती है, तो डोंट निगलेक्ट, प्लीज विजिट अ डेंटिस्ट. ये बात भी है. मैम, एक मेरे सवाल आ रहा है आपको, आपके अलविदा लेने से पहले. हम क्या करते हैं, दांतों को लेकर बड़े केयरलेस होते हैं. जब पेन एक्यूट हो जाती है ना, फिर हम इंसान पेन किलर्स खाते हैं या फिर एमोक्सिलिन खाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, तो आपको लगता है ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल. जब बिल्कुल आप उस लेवल पे डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब वो कहता है कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, आप पहले ही विजिट कर लें डेंटिस्ट को, आप पहले ही चले जाएं. जब आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि एरीज हो गए, कुछ हो गया, तो आप पहले ही विजिट कर लेना. आप बिल्कुल उस लेवल तक क्यों लेके जाते हैं जब आप डेंटिस्ट बोले इस पेशेंट को तो हम बचा नहीं सकते. क्यों डॉक्टर हो, तो मैं कहता हूँ आधा दर्द तो वैसे ही चला जाए. कोई मैसेज आप जाते जाते कुछ देना चाहते हो? बस अपने यूथ को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ हैव फेथ ऑन योरसेल्फ,
कम फॉरवर्ड एंड अचीव योर ड्रीम्स. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए. तो खास मुलाकात इनके साथ हो रही थी और बिल्कुल सही कहा, पॉजिटिव रहिए, अपने ख्वाबों को देखिए भी, समझिए भी, उनको पूरा भी कीजिए. और हाँ, बटरफ्लाई जो रहती है ना वो ज़रूरी होती हैं कहीं ना कहीं, जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो उसको परफेक्ट करने के लिए, वो बटरफ्लाइज थोड़ा बहुत होती हैं और हमेशा रहती भी हैं. देखते रहिए जेके पेजेस, निकलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए. इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है. रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ.